नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में आज आपको बताने वाला हूँ वर्टेक्स प्रॉपर्टी के बारे में, कैसे आप वर्टेक्स की प्रॉपर्टी बाय कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन है, मैं एक यहाँ पे प्लेन लेता हूँ, ग्रिड को ऑफ करता हूँ, टॉप व्यू पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसके वर्टेक्स को इंक्रीज करता हूँ। ये मैंने यहाँ से वर्टेक्स को इंक्रीज किया कुछ ऐसे, ओके कुछ ऐसे। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं कन्वर्ट टू कर देता हूँ इसे एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली करने के बाद जब मैं यहाँ पे वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होता है, इसे बोलते हैं वर्टेक्स प्रॉपर्टी। आप वर्टेक्स के कलर को एडिट कर सकते हैं और उस कलर के अकॉर्डिंग आप अपने वर्टेक्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एडिट वर्टेक्स प्रॉपर्टी में, कि मान लो मैंने इतने वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और मैं इसको कोई कलर यहाँ पे दे देता हूँ, बाई कलर मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसको प्रॉपर रेड कलर दिया यहाँ पे, इसको रेड कलर एंड ओके। अब रेड कलर मैंने इसको दिया है, अगर मैं देखना चाहता हूँ रेड कलर को तो उसके लिए मेरे को जाना होगा यहाँ पे डिस्प्ले पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में वर्टेक्स कलर, इसे आप ऑन कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको वर्टेक्स जहाँ पे हैं उसके कलर्स आपको ऐसे शो होने लगेंगे जहाँ पे भी आपके वर्टेक्स आपने शो किए हैं। अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, मैं इतने वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया, इतने वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मैं इसको कलर प्रोवाइड करता हूँ, कोई भी कलर मैं यहाँ पे देता हूँ, मान लो मैं ब्लू कलर यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ एंड ओके, तो ये देखो ब्लू कलर यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ऐसे आप अपने वर्टेक्स को कलर कर सकते हैं और अपने वर्टेक्स को कलर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप बाय इल्यूमिनेशन भी कलर कर सकते हैं। बाय इल्यूमिनेशन में क्या है कि आप यहाँ से कोई इतनी भी वर्टेक्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इतने वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे इल्यूमिनेशन कलर मान लो मैं यहाँ पे ब्लैक प्रोवाइड कर देता हूँ या कोई पिंक कलर ऐसा प्रोवाइड कर देता हूँ कुछ इसमें, ओके ओके करने के बाद देखो आपको इल्यूमिनेशन वाला कलर शो नहीं हुआ जैसे ही आपको यहाँ पे वर्टेक्स वाला नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को इल्यूमिनेशन वाला कलर शो हो तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे जा सकते हैं और यहाँ पे मिलेगा आपको वर्टेक्स चैनल डिस्प्ले और वर्टेक्स कलर पे क्लिक करके आप यहाँ पे कर दे वर्टेक्स इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन पे क्लिक करेंगे ओके तो आपको वर्टेक्स कलर दिखाई नहीं देगा, आपको वर्टेक्स इल्यूमिनेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कलर कोडिंग नजर आएंगी। मान लो आपने इसको सेलेक्ट किया, आपने वर्टेक्स इल्यूमिनेशन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे मान लो ब्लैक कलर कर दिया या कोई भी कलर अगर आप करोगे वही कलर आपका यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ओके करोगे ये वर्टेक्स इल्यूमिनेशन की हेल्प से आप कर सकते हो। आप वर्टेक्स इल्यूमिनेशन डालते हुए यहाँ पे अल्फा भी प्रोवाइड कर सकते हो, कि मान लो आपने येल्लो कलर यहाँ पे दिया है और आप यहाँ पे 50% अल्फा कर सकते हैं तो ये आप बाई डिफॉल्ट भी रख सकते हैं 100%, ठीक है। ये इसी इल्यूमिनेशन की प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा सा एनिमेशन में वर्क करती है। तो आगे आने वाली वीडियोस जैसे एडवांस वीडियोस आएंगी उनमें भी मैं इन चीजों को यूज करके आपको बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ आप नहीं देख सकते हैं कि बाई कलर और बाई इल्यूमिनेशन भी आप इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो अल्फा में कलर थोड़ा सा डल आया जितने परसेंट मैंने इसको कम किया है, मैं अकॉर्डिंग टू अल्फा भी देख सकता हूँ कि मैं राइट क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करके कर सकता हूँ वर्टेक्स अल्फा एंड ओके। तो जहां पे वर्टेक्स अल्फा यूज हुआ है वहां पे मैं उन वर्टेक्स को यहाँ पे देख सकता हूँ, क्लियर है। राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, अगेन मैं करता हूँ वर्टेक्स कलर ओके, तो ये मेरा वर्टेक्स कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हुए। अब मैं अगर वर्टेक्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ बाई कलर और बाई इल्यूमिनेशन तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैं बाई कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करना चाहता हूँ बाई कलर, तो इनका कलर अगर मेरे को जानना है तो मैं किसी भी एक वर्टेक्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा कलर आ जाएगा। मैं इन कलर को राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ सिलेक्ट, तो इतने वर्टेक्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। मान लो आपको ये वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं, एक वर्टेक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये कलर यहाँ पे आ जाएगा, राइट क्लिक करो कॉपी करो और यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो एंड सेलेक्ट कर सकते हो, तो इतने वर्टेक्स आपके देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो, बाय इल्यूमिनेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये इल्यूमिनेशन है, इसको यहाँ पे कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, बाय इल्यूमिनेशन भी इनको सिलेक्ट करेंगे
तो इतने वर्टेक्स आपके यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे करके आप इसको वर्टेक्स को कलर प्रोवाइड कर सकते हो आप, और अपने वर्टेक्स को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। रेंज को आप बाय डिफॉल्ट आरजीबी कलर का एज इट इज अभी छोड़ सकते हैं। एडवांस वीडियो जो आएंगी उनमें मैं इन सब चीज़ों को आपको करके बताऊंगा। तो ये होता है आपका वर्टेक्स प्रॉपर्टी, कैसे आप वर्टेक्स के कलर को एडिट कर सकते हैं एंड वर्टेक्स को बाई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज वीडियो देखते रहें, और प्लीज अगर मेरी वेबसाइट किसी ने अगर अभी तक विजिट नहीं की है तो प्लीज वेबसाइट विजिट करें, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.